जो आया है उसने ध्यान है। ये कुदरत का फैसला है, कितना भी इंसान कोशिश करे रोकने का नहीं रोक सकता। जिस वक्त आया है उसी वक्त लिखा हुआ है, इसने इस वक्त जाना है, कहाँ जाना है, किस तरफ जाना है, कहाँ कहाँ जाएगा, किस मुश्किल से जाएगा, अल्लाह के सिवा कोई नहीं। यही सबसे बड़ी बात, अल्लाह ने सब कुछ दे दिया। आप अब चांद पे भी जा रहे हैं, खुदा जाने चांद से भी कितना आगे जाए, मगर मौत के बारे में अल्लाह ने नहीं बताया। क्योंकि अगर बताता तो इंसान पहले ही मरने लगा। अल्लाह अली मोहम्मद साहब ने गुजर गए, नेक काम वही साथ आए, कोई दौलत साथ नहीं आए, सब ये रह गया, ये मिट्टी है, खाक में से आए, मिट्टी से आए। ये जब अल्लाह ने इंसान को पैदा किया तो मिट्टी से पैदा किया, मैं समझ सकूं, और जब बनाए और रूह का पोषण सबसे कहा कि झुको इसके सामने। एक इब्लीस था जो नहीं झुका। इब्लीस अनुनस ये खुदा अनुनस से क्या चुनो झुका दोनों से बनो चली बीच में मुझे नार मजुक। अल्लाह ताला है क्या तुम इस तभी साथ खत्म करी मैं दोनों से मेरे वक्त उससे इंसान ये बनो मुझु नए बनो मुझु ये कितने डालन बनिश बहाव है। अल्लाह ताला सुन जवाब उसुस युस म्योन आसे से ये कोशिश करक से अकर उसे डालेत। मगर आज तू क्या छो इससे पैस पैट मुसलमान बड़े कम ना नमाज पढ़े ना ज़कात ना जान कायम कर शराब तीसी चवा जना तेसी करा बेईमानी तेसी करा काम तोड़ा अपुज बना पहले कसम खेवा तक पे शैतानन को रस पर कर इन सुन कलाम ही पो। अगर इस कुरानी करीम आसे पोरमुत तब पता आसे तब माने समझोमुत आज आसे मुसलमान आसमान पे मगर सुलोक छुरबोजी कर बदमोशी कर मुसलमानों को मुस्तकबिल का औखत पूछो क्या छू पाकिस्तान क्या क्या हाल सोच इस्लामी मुल्क सारे को जान शहर आप देखिए चला क्या होना तय क्या छूने का सा आज तो तुत तूफान आमुत मन के बचे सुबुल के बचे सुजाने खुद है वो तो अफगानिस्तान पूछो तेरे क्या अरबन मुल्क में मत पूछता अगर तू ऐसे कमिट वाली आए सुबह मत दुबई के कमिट तो जिस टाइम नहीं मुल्क क्या इस तरह सब जान बहन के बयान सऊदी अरब पूछ पाक जमीन क्या क्या हो चुका है खोल इंसान खुदा सन वाच त्रावान छो तब बच्चों मुसीबत यो है इस पर छुट्टी पन पान छु बेटी बेवक्त बारिश ये मूसा अलैहि सलाम पुरुष खुदा है से कत पर चुक नाराज गछन तू कित के तरह इस फिक्री
Corniș Catru Urmăs, Belacht, Sozumul Rul, Zala Bărismul, Soz Tufan, Belacht. Son Hanci Sud. Kan Meutru, Khuda Zanan Faslan Ti Kya Gach, Dil Gogol Os Tut, Bi Kya Vanau Toi. Vistar is gasan til gogul vuchni ami posh vuchni nost vos pan okar na gos tak uch so bahar ta swa khodaya mon mata geriya til karo karo vuchni mahak ke til ami gar khat Allah taala sus to ban akiz bachu ichu qadrat Hesap ya, asli maghrur, asli man ponsan tal, ponsan salam kaya, ponsu son khuda bani. So ketkan kamao, namu chuna kam, namu chuna. Magar ichi na zana, yeli kachak to or tat kya bana, tat kya kena puzo. Та чели ничего на пузе, чели. Так мы аккат вырели, бродкань патронах, мы аккат. Та чели. Та ты пыль на чан заман. Та ты боли чан чам. Чан. Им сэри чиз болан ты тя болот. Там сад тя кана. Ай шарпаси нар, дозу. Агра ты дозу бухал, Пырю, тыры хасну. Тыры! Дозык, нашу пяра. И сам дзюна, искара ухач, цэн, мадага санапу, так парфу зявна. Мадага тэмі чау. उस सजा के लिए तैयार रहना जो अल्लाह आपको भेजेगा उस वक्त बदलो आज तब्दीली करो वो कहता है आखिरी दम तक अगर तुम माफी मांगोगे और सही रास्ता कबूल करोगे मैं तुम्हें माफ कर देने तैयार हूं यह अल्लाह की शान है मगर हम माफी नहीं हम उसी रास्ते पर शैतान हमें ले आ रहा है और जब अल्लाह के सामने शैतान आएगा जब हम सब का फैसला होगा और इब्लीस खड़ा होगा तो इब्लीस क्या कहेगा अल्लाह से कहेगा मैंने नहीं इनको लिया ये खुद आया जबकि अल्लाह जानता है कि इब्लीस ही है जिसने इसको उस रास्ते पर लाया है और इब्लीस जहन्नम के उस दर्जे सात दर्जे हैं जहन्नम के सबसे निचले दर्जे पर इब्लीस होगा और उसके जितने वो चाले चाटे हैं वक्त आया है बदलने का वक्त आया है अपने आप को ठीक करने का आज मोबाइल आ गए आपको पता है आपके बच्चे क्या देखते हैं उस मोबाइल क्या करते हैं शेख नूरुद्दीन नूरानी ने कहा तो वक्त ही सत बंदर राज आसे कोर ते माज आसन फेरान गरन से आज को वक्त कछे उठो निशान बाग कछे कोई मारे कछे पहल काम कछे कछे उठो ते क्या अच्छे से मंगा खुदा आज पर कर रहा हूं कपर कर रहा हूं कपर ये न सो अमले अवस्थ रहम कपर करे अमल अमल नहीं होगी तो कुछ नहीं होगा ये दौलत सब कुछ यहीं रह जाएगा यहीं ये सब यहीं रह जाएगा ये जिस्म भी जिसको आप हम सजाते हैं ये भी यहीं रह जाएगा रो जाएगी उसके पास जिसको उसने दी है क्या कभी हम याद करते हैं इसको मैं गया अभी अल्लाह का शुक्र है इस उम्र में मुझे उसने तौफीक दी कि मैं उम्रा करने गया
मदीने शरीफ में मैं क्या देखता हूं, सोने की दुकान, इतनी सोने की दुकान हम बयान नहीं कर सकते। कुरान की एक दुकान, मैंने कहा सोने ने हमें पकड़ रखा, सब सोना बदलो पोस्ट मॉर्टम से बड़ा आप मुश्किल, बड़े मुश्किल, मगर खुदा ऐसी शायद कोई मोहब्बत छू फ्यूचर इज पजिस मुश्किल से, मगर बेहतर टू पोस्ट मॉर्टम में बजाय कि आप उस वन आप पजिस छू ने से हाइट लेट बी वन आप जिस छू से हाइट लेट वन दोहरा अगर सचमुच इंसान बनना है ये याद रखो, आज ये गाय है ये साफ है, कल हमारा भी वक्त आएगा, उसको मत भूलिए, अपने बच्चे और बच्चों को कंट्रोल करें। पहला फर्ज जो आपको है, पहला फर्ज माँ बाप का है, बच्चे को कुरानी करीब और नमाज की तरफ झुका है। कितने हैं अजान होती है, कितने हैं जो अपना काम छोड़ के नमाज पर जाएंगे, आप खुद देखिए, अपने आप देखिए, अंदर देखिए, अगर इंसान बनना है तो अपने इस मुकद्दस किताब को पढ़िए और इस पर अमल करिए। देखता हूँ ना जुमा के दिन खुतबा होता है, होता है तो चुआ पता सो क्या पर चू पता अरबी छे सन जबान हमारी जबान नहीं, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां पैदा हुए, इसे कुरानी करीब वहां नाजिल हुआ, यहां होते पैदा कश्मीरी में मगर पैदा अरब में, वहां जब खुतबा होता है पहला हिस्सा जो खुतबे का होता है वो सरकार की तरफ से लिख के आता है, वो समझ सकते हैं। हमारे इमाम मैं एक बार बार कहता हूं, हमारे मौलाना क्यों नहीं पहला हिस्सा कश्मीरी में या उर्दू में जो हमारी जबान है वो बताएं, हालात पे बात करें, यकीन करेंगे 10 साल का बच्चा अभी 12 बटबालू में कुत्ते भाग रहे थे उसके पीछे, इतना खूबसूरत बच्चा मैं बयान नहीं कर सकता, नाली में गिर कोई बचाने वाला नहीं था, 13 दिन के बाद कल वफा पा गया। क्या गुजर रहे हो उसकी माँ बाप पे, क्या गुजर रहे हो बताइए आपको, अगर आपका बच्चा मर जाए क्या होगा, इससे बड़ी कयामत है। मगर ये सरकार टस से मस नहीं हो रही है, कुत्ते घूम रहे हैं, खा रहे हैं लोग, हम में से कोई आवाज नहीं उठा रहा, क्यों हम डर गए घबरा गए, बातें करते इनके अखबार देखिए बिक गए, हमने अपने 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 इज्जत को बेच दिया है पैसे के, कोई भी अखबार पर नहीं उठा, हर सफे लेने का बकवास झूठ, क्यों, क्योंकि हमें अल्लाह पे भरोसा नहीं, हमें शैतान पर, ये नहीं जानते कि रिजक देने वाला अल्लाह है, अल्लाह के सिवा कोई रिजक नहीं दे सकता, तो अल्लाह ताला रिजक बंद कर जाओ अगर सो बादशाह क्या ऐसे आख त्रेजी कतरे है तो तुम इस बंद
मगर ये चाहे बरकत दियस त्यूट दियस खबर आसो ना कपय आओ मगर अस चुन खुद सुच्छा इन सुन अगर इस खुदा इस पर भरोसा है बस खोसा सिर्फ तिम्स ये खोता नहीं जान जानी है तो जानी है बेहतर है कि सच बोल के जान जाए झूठ बोल के जान नहीं जाए कश कोल पेवन कसानी तलीम कीत सुनी बरेलवी दहलवी यपर तो हुपर मुसलमान क्या है क्या शियों के लिए कुरान अलग है काबा अलग है नबी अलग है मगर हमने नफरतें पैदा किया आपस में इसके बजाय ये सोचे कि नहीं हम अल्लाह हमारा मालिक है और उसके सिवा कोई मालिक नहीं है वो नहीं मैंने देखा है जुर्जना का जुलूस निकलता था रात को निकलता था हमारे बच्चों को मालूम नहीं है रात को निकलता था मर्द मुजाहिद शेरी कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला आया उसने कहा यह जुलूस दिन में निकलेगा रात की बात नहीं और मुझे वो दिन याद है जब सब आगाओं को बुलाया और कहा एक जुलूस एक दिन बड़गाम का निकलेगा एक दिन मौलाना अंसारी का निकलेगा एक दिन उसका निकलेगा एक साथ और मैंने जुर्जना को पकड़ मेरा अल्लाह जानता है आधी गुजर से चलता था और कतल कतल जब तक नहीं पहुंचता था जड़ी पर मैंने छोड़ा आज जो मैं सिद्धा हूं उसी की मेहरबानी से जो मैंने जुर्जना मेरे दिल में कभी ये नहीं था ये शिया है ये सुन्नी है ये मेरे में ये था कि इंसान है और मुसलमान बस और कुछ मैंने कभी फर्क नहीं किया पहली दफा मुझे पता लगा जब मेरे प्रोफेसर जो मुझे केमिस्ट्री पढ़ाते थे मीर साहब वो मेरे पास आए कहने लगा डॉक्टर साहब मैं इलेक्शन लड़ना चाहता हूँ मेरे साहब क्यों मैं शिया हूँ मैं अल्लाह के सामने कहता हूँ मुझे पता नहीं था शिया कौन है और सुन्नी कौन है कब तक हम लोग बढ़ते जाएंगे कब तक हम लोग नफरतें करते जाएंगे कब हम इस नफरत को फेंक देंगे और ये कहेंगे नहीं हम मुसलमान हैं इस्लाम हैं हमारा कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूल अल्लाह हजरत अली कौन थे कौन थे पैगंबर थे और शादी किससे की नबी करीम की सबसे अजीज उनकी बेटी से लड़ाई झगड़ा हुआ जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुजर गए और हजरत अली को उनके बाद नहीं मिले कि वो अब इस कौम को चलाएंगे और अबू बकर सिद्दीक को चुना गया कसूर हम लोग का नहीं है हम लोग नहीं मगर नफरत पैदा हो उस दिन से उस दिन से हम लोग बट गए और आज हम 72 से भी ज्यादा हिस्सों में बट गए और नबी करीम ने कहा उस वक्त और भी बटे और हाल है हमारा हर गली में अलग मस्जिद हर गली में
अलग तालीम हर गली में, ये कहीं नफरतें छोड़ देंगे कभी, कभी हम समझेंगे कि हम एक हैं और उस अल्लाह के सामने हमने खड़ा होना सबको। उसका यही होगा तुम शिया हो, तुम सुन्नी हो, तुम ये हो, तुम वो हो, तुम हो और तुम्हारा अल्लाह तुम्हारे सामने है। मौलाना असरार हैं, अभी गुजरे हैं पाकिस्तान, उन्होंने तफसीर लिखी है, वो पढ़नी चाहिए आप लोगों को जो पढ़ने वाले हैं, 7 जिल्द की तफसीर है। ये आप जानते हैं कि अल्लाह ताला ने पैगंबर हर एक के लिए भेजे, याद है आपको है, मगर बादशाह होने के बावजूद भी वो इंसान था जिसको अल्लाह ने भेजा था कि लोगों को सही बात बताए, सही रास्ता बताए। इसलिए गांधी हर वक्त कहते थे राम राज, आज का राज नहीं, जहां फर्क किया जा रहा है वो राज जहां हम सब बराबर होंगे। मगर जब मुसलमानों के सामने आप राम की बात करेंगे, ओ हो ये कई कैसे छो है तू छो माम तू छा बहनों का खुदा चुम तेम कुछ सूझ कुछ तो सोचो जान सो और खुद उस टाइम जब यहूदी आए और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने सौदा साहब कहने लगे इनसे बात नहीं करिएगा ये हमारे दुश्मन हैं, उसी बात वही आई कहा नबी अल्लाह का पैगाम सबके साथ बराबर रहो। इनका सुनो और मैं इनको कहा याद रखो तुम अगर इनके खुदा के बारे में कुछ कहोगे और ये तुम्हारे खुदा के बारे में कहेंगे तुम बर्दाश्त कर सकोगे, इसलिए तुम्हें तुम्हारा इनको इनका हम उंगली उठा हम उंगली उठा के उसे कहते हैं वो दीन वाला नहीं, उनके दीन के मालिक हो, मालिक तो अल्लाह है, जवाब तो हमें उसके सामने देना है। सबसे मोहब्बत करो, सबसे प्यार करो और अल्लाह से मांगो या अल्लाह हमारे गुनाह को हमें सुरात मुस्तकीम पर रखे, सुरात मुस्तकीम पर रखे अल्लाह। फी वर्ष तक इमाम बस पाते नमाज पढ़ाते बस पन्ने उसके मन से तो आसान भाग तिमन पाते इस नमाज पढ़ा आए तो रखमानी सब आए आयतुल्लाह खुमानी साहब ने फतवा जारी किया कि हम एक हैं, उस इमाम तक तुम इस बात पर ही नमाज ये कभी भूलिए बनी अच्छी अच्छी लोग बना दी तेमी उस बाग दौर त्र تمہیں ہو سو بات اسے یہ تھی گھر آنے تم دب سری چا حق بچن سر بچن ترے اللہ تعالیٰ دین تم جان کا سر بے دین از دید آلے رسول اللہ اسے ہی پر بڑی دید آلے